दोस्त खुश रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, जिंदाबाद रहे होंगे। ये पार्टनरशिप आज का नया चैप्टर है, साझेदारी पार्टनरशिप। वही सवाल पढ़ाऊंगा भाई जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए और बी एक कंपनी में, ए और बी एक कंपनी में साझेदार है, उनके लाभ का अनुपात 4:5 है। यदि कंपनी को कुल 14,130 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी के लाभ का हिस्सा बताना है। क्या बताना है भाई? बी के लाभ का हिस्सा बताना है। देखिए अनुपात क्या है, ए अनुपात बी, मान कितना दिया भाई अनुपात 4:5। देखिए क्या पूछ रहा है, बी के लाभ का हिस्सा बताना है। किसका बताना है भाई? बी के लाभ का हिस्सा बताना है। हमने लिखा बी, बी कितना है भाई 5, यानी कुल रुपए कितना है भाई 9 गुणते, यानी लाभ कितना हुआ भाई 14,130, 9 से काटा, जब 9 से काटेंगे कितना जाएगा भाई 14,130 में 9 से भाग किया, 9 × 9 कितना बचा 5, 9 × 3 9 9 5 45, 5 बार के कितना बचा भाई 6 0, 7 9 63 कितना आ गया भाई, यानी 9 7 63 कितना आ गया 1570, कितना आ गया 1570 भाई, हमने 5 से गुणा किया 1570 में कितना आ गया 5 × 7 35 हासिल 3, 5 × 25 3 28 हासिल 2, 5 × 5 5 2 7 0 0, यानी बी के लाभ का हिस्सा कितना आ गया भाई 7,850। सवाल नंबर अगला क्या है, यक्ष ने 25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 4 माह के बाद वाई 20,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया, याद करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक्स, हमने क्या लिखा भाई एक्स अनुपात वाई बराबर एक्स कितना लगा रहा है भाई 25,000 पूंजी, कितना लगा रहा है 25,000 पूंजी, और वाई कितना लगा रहा है भाई, वाई लगा रहा है 20,000 पूंजी, कितना लगा रहा है 20,000 पूंजी। हमने 0 से 0 काटा, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, हमने 3 0 काटा, यानी x अनुपात y बराबर कितना आया भाई 25:20, यानी कितना आ गया 25:20 ही काट दीजिए, 5 × 25 5 × 20 कितना आ गया भाई 5:4। आगे देखिए क्या कह रहा है, 4 माह के बाद y ने 25,000 रुपए, यानी कितना है 4 माह के बाद y कितना लगा रहा है भाई 20,000 रुपए, जब 4 माह के बाद ना, यानी क्या 4 माह बीत गया, फिर कितना बचा भाई 8 महीने बचा, यानी हमने कितना लिखा भाई 5 × 12 = 4 × 8, हमने लिखा x अनुपात वाई, हमने x अनुपात वाई बराबर कितना है भाई 12 × 5 = 60, 8 × 4 = 32, दोनों कट रहा है भाई 4 से दोनों कट रहा है, जब इसे 4 से काटा कितना आ गया भाई 15, 4 से काटा कितना आ गया 8, यानी एक्स अनुपाते वाई बराबर कितना आ गया भाई 15:8। ये तो पूछ रहा है किस अनुपात में लाभ मिलेगा, 15:8 के अनुपात में लाभ मिलेगा। सवाल नंबर अगला क्या है, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 3 माह के बाद 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल होगा, याद करें वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। वही पूछ रहा है किस वर्ष के अनुपात में लाभ मिलेगा, हमने लिखा ए अनुपात बी बराबर कितना, ए कितना लगा रहा है भाई 50,000 पूंजी, कितना लगा रहा है 50,000 पूंजी, बी कितना लगा रहा है 70,000 पूंजी, कितना लगा रहा है भाई 70,000 पूंजी। क्या कह रहा है, 3 माह के बाद कौन आ रहा है बी आ रहा है, 3 माह के बाद पूंजी कौन लगा रहा है बी, कितना लगा रहा है 70,000 लगा रहा है, हमने कितना लिखा भाई, हमने 3 × 4 0 से पूरा 0 खत्म कर दिया, यहाँ पे कितना बचा 5 × 12 = 7, यानी 7, यानी बी कितने माह बाद आ रहा है 3 माह बाद पूंजी लगा रहा है ना, जब 3 माह बाद पूंजी लगा रहा है, जब 12 में 3 घटा दिया कितना आ गया भाई 9 आ गया, यानी 12 × 5 = 60,
नौ सत्ते तिरसठ, दोनों कट रहा है तीन से, इसे काटा कितना आ गया 20, इसे काटा कितना आ गया 21, यानी ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया भाई 20 अनुपात 21, यानी किस अनुपात में लाभ मिलेगा 20 अनुपात 21 के अनुपात में लाभ मिलेगा। सवाल नंबर नंबर अगला क्या कह रहा है, ए तथा बी ने, ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपए तथा 22,000 यानी कितना 2,25,000 रुपए की निवेश की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। यही पूछ रहा है व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, हमने लिखा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना भाई 18 यानी 1,85,000 अनुपात, बी का कितना है भाई 2,25,000। अब देखिए हमने अनुपात से अनुपात काटा, अनुपात से अनुपात काटा, यहाँ पे कितना बचा ए अनुपात बी बराबर कितना कट रहा है 5 से कट रहा है 5 15 बचा 3 5 7 35, अब इसे काटा 5 4 20 बचा 2 5 25 कितना आ गया 37 अनुपात 45 कितना आ गया 37 अनुपात 45। क्या कह रहा है बी ने 9,000 रुपए लाभ प्राप्त किया है, कितना बी ने 9,000 रुपए लाभ प्राप्त किया है, हमने लिखा क्या पूछ रहा है कुल लाभ बताना है, क्या बताना है कुल लाभ, हमने लिखा यानी कुल लाभ यानी दोनों को जोड़ा कितना आ गया भाई 7 5 12 यानी कितना आ गया 82/45 यानी क्या है कौन है बी ने बी 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है, बी का कितना है भाई 45, हमने कितना लिखा 45, कुल लाभ कितना है भाई 9,000 रुपए, हमने कितना लिखा 9,000, 45 2 90 कितना आ गया भाई 200, गुणा किया कितना आ गया 2 2 4 2 8 16 यानी कितना आ गया भाई 16,400 रुपए। सवाल नंबर अगला क्या कह रहे हैं, दो साझेदार x और y के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है, यदि x ने 8 महीने के लिए निवेश किया हो तो y ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। अब देखिए x अनुपात y कितना दिया भाई 11:12 कितना दिया है 11:12। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, x ने 8 महीने के लिए कितना भाई x ने 8 महीने के लिए निवेश किया, x ने कितना भाई 8 महीने के लिए हमने कितना लिखा 11:8 अनुपात 12 यानी क्या है भाई नहीं दिया है, हमने कितना लिखा इसे टी माना। अब देखिए हमने 11:88 बटे यानी अनुपात क्या है भाई हमने बटे कर लिया कितना आ गया 12t बराबर, फिर उसके बाद क्या उनके लाभ का अनुपात कितना दिया भाई 2:3 हमने कितना लिखा 2:3 कट रहा है 3 4 12 यानी कितना आ गया 4, फिर 11 कितना आ गया जब इसे काटा ऊपर कितना आ गया भाई 4 ऊपर कितना बचा 3 4 12 ऊपर 88 बचा नीचे कितना बचा भाई 4t बराबर कितना 2 नीचे 1 बचा क्रॉस गुणा यानी 2 4 8 2 4 8 यानी 11 4 44 टी बराबर कितना आ गया भाई 11 महीने। ये पूछ रहा है वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया, वाई ने 11 महीनों के लिए निवेश किया। सवाल नंबर क्या है, दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 5:6 है तथा उनके लाभ का अनुपात 5:9 है, यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया हो तो वाई ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। देखिए अनुपात कितना दिया है, एक्स अनुपात वाई कितना दिया भाई 5:6। अब क्या कह रहा है, यदि उनके लाभ का अनुपात कितना है 5:9। अब आगे क्या कह रहा है, एक्स ने 8 महीने के लिए ना, एक्स ने 8 महीने के लिए कितना लिखा 5:8 अनुपात 6:3 यह तो पूछ रहा है वाई ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, हमने इसे क्या माना भाई टी। अब देखिए क्या 5 5 8 40 अनुपात में है भाई, हमने बटे कर लिया 6t बराबर इनके लाभ का अनुपात कितना दिया है 5:9 कट रहा है 5 8 40 3 2 9 6 3 3 9 2 4 8 ऊपर कितना बचा भाई, देखिए फिर से काट के बता दे रहा हूँ यहाँ पे कितना बचा 8 5 40
नीचे दोनों का गुणा किया कितना आ गया 6t। लाभ का अनुपात कितना दिया है 5 × 9। अब देखिए कट रहा है 5 × 8 = 40, ऊपर 8 बचा नीचे कितना बचा भाई 6t बराबर ऊपर 1 बचा नीचे कितना बचा 9। कट रहा 3 × 9 = 9, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, अब यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 3, यहाँ पे टी करना टी बराबर 4 × 12। यही तो पूछ रहा है वाई कितने महीनों के लिए निवेश किया, वाई ने 12 महीनों के लिए निवेश किया। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख मेरे हौसले जैसे बड़े हैं। क्या भाई तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।